दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने लाइफ में। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम गाजर का हलवा बनाने। आज बहुत दिन बाद गाजर का जा रहे हैं हलवा बनाने। दोस्तों गाजर फिलहाल खेत में बहुत ज़्यादा हो गया था तो खाया नहीं गया, तो थोड़ा सा बचा कर रखा गया है, उसका जा रहे हैं हलवा बनाने। अभी उसको काटेंगे, घसेंगे उसको, छोटे छोटे बारीकी सी बुरादा घसेंगे, घस कर उसके बाद उसको कढ़ाई में घी सी सब वो मीठा डालकर उसको पकाएंगे तो हलवा तैयार होगा। दोस्तों गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों देख रहे हैं अभी हम जा रहे हैं इसको काटने, अभी काट आपको वो काट का वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों आप लोग फुल वॉच करिएगा, अभी आप लोग को हम दिखाते हैं आगे का वीडियो। दोस्तों तो दोस्तों देख रहे हैं हम गाजर घस रहे हैं, अभी इसका घस लेंगे तो उसके बाद इसका हलवा बनाएंगे। तो रेसिपी आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो पर रहिएगा। अभी घस लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के आपका घस चुके हैं, एकदम तेजी में घस रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। हाथ बचाना पड़ता है दोस्तों, कहीं हाथ मत पड़ जाए। तो फिलहाल वीडियो दोस्तों लंबा नहीं होगा, 5 मिनट 5-6 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं हम घस कर लिए हैं, देख लीजिए इससे घसने से घसे हैं, आदि के थाली में रख लिए हम घस कर। तो अभी इसको हम जा रहे हैं कलाही में डालेंगे और आप लोग को दिखाएंगे वीडियो, आगे का प्रोसेस अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पर और उसको पकाते हैं, तब आप लोग को दिखाते हैं। हम कढ़ाई के पास बैठ गए हैं और ये कढ़ाई हम चूल्हे पर रख दिए हैं। इसमें दोस्तों दूध गर्म हो रहा है, तो अभी इसमें घी डालेंगे, तेल नहीं पड़ता है, तेल पड़ जाएगा पर तेल का स्वाद अच्छा नहीं होता है, घी पड़ेगा तो अच्छा स्वाद लगता है। तो अभी आप लोग को हम दिखाते हैं फिर आगे का वीडियो। तो दोस्तों हम देखिए एक चम्मच घी ले लिए हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी ये गल जाएगा, अभी ये क्या है ठंड की वजह से टाइट हो गया है, अभी ये गल जाएगा तो नरम हो जाएगा केमिकल की तरह। देख रहे हैं वो गल रहा है, तभी आप लोग का वीडियो हम आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम काट के रख लिए हैं इसको, हम तभी आप दिखाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं 1 चम्मच हम जीरा ले लिए हैं, इसमें जीरा भी पड़ता है तभी इसका क्या स्वाद अच्छा लगेगा। अब देखिए दोस्तों ये पूरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, देखते हैं जल रहा है। तो अब इसमें हम जा रहे हैं ये गाजर का कटा हुआ बारीकी चीज डालने, देख रहे हैं ये डाल दिए हम। अभी इसको चलाना है, पकाना है, 5-10 मिनट गाजर का हलवा बनकर रेडी होता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोग आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको कम आंच पे गलाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों पूरा पकेगा तो अभी कच्चा ही रहता है, मोटा बारीकी गाजर का वो जो होता है अंदर का गुद्दा तो बहुत मोटा होता है, बारीकी नहीं होता, भले से बारीकी कट जाता है पर वो बहुत मोटा रहता है, जल्दी गलता नहीं हो। तो इसको 2 मिनट तक गलाना पड़ता है, इसमें पानी फेंकेगा आँच से तो उसके बाद तब इसमें दूध पड़ेगा, तब उसके बाद शक्कर पड़ेगा, तब ये खाने लायक होता है दोस्तों। तो अभी आप लोग को फिर दिखाते हैं आगे का वीडियो। देखना दोस्तों फिर रास्ते ही चूल पर ही खाना बन रहा है। तो दोस्तों फाइनली अब हम इसमें जा रहे हैं, गल गया है, जा रहे हैं शक्कर डालने, देख रहे हैं मीठा इसमें। इसमें हम मीठा डाल दिए हैं, अभी इसको हम इसमें फिर दूध डालेंगे, गड़ी का बुरादा डालेंगे, देख रहे हैं दोस्तों ना इसको चला रहे हैं हम। देखिए इसमें 1 पाव दूध डाल रहे हैं हम, और तुम सब सैगरा दूध रहा तो अपने ना खाए हुआ। तो दोस्तों हमने दूध भी डाल दिया, देख रहे हैं इसको
कैसा रंग हो गया है, देख रहे हैं ये खोल रहा है, अभी पक जाएगा, 2 मिनट में तैयार है दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा दोस्तों। इसको अच्छी तरह से चला दें, पक जाएगा। दोस्तों अभी 2 मिनट के बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अब जा रहे हैं हम गड़ी का बुरादा डालने, खाने में और स्वाद आ गया। तो दोस्तों ये हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, हम भुरभुरा दिए, खाने में और स्वाद आएगा। तो दोस्तों अब इस फाइनली बन के अब रेडी हो गया दोस्तों, इसको जा रहे हैं हम उतारने, उतार कर उसके बाद हम लोग इसको बैठ कर खाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं गाजर का हलवा कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बन के दोस्त तैयार है। तो आप लोग को भी अगर जो खाना होगा तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, तो आप लोग हमारे घर आ सकते हैं और खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे घर पर के सभी घरों पर अतिथि देवो भव। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो करते हैं हम समाप्त, मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों। बाय 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 बाय।